चल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश के 16 जिलों में डीजल 100 रुपए के पार हो चुका है। अनूपपुर में सबसे महंगा हुआ डीजल, 1 लीटर डीजल की कीमत 101 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो चुकी है। रीवा और बालाघाट में भी भाव बढ़े हैं। राजधानी भोपाल में डीजल 98 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में डीजल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। तो लगातार हम डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में डीजल सबसे महंगा हुआ है। 1 लीटर डीजल की कीमत 101 रुपए के पार पहुंच चुकी है। वहीं रीवा और बालाघाट में भी डीजल के भाव बढ़े हैं। राजधानी भोपाल में डीजल 98 रुपए 67 पैसे पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में डीजल 100 रुपए के पार हो गया है। अनूपपुर में सबसे महंगा डीजल हुआ है, जहां डीजल के रेट 101 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुके हैं। चलिए तो डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है हम जान लेंगे। हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, मध्य प्रदेश के ऐसे 16 जिले हैं जहां डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? आप बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश के 16 जिले हैं जिनमें कहीं ना कहीं डीजल के जो रेट हैं वो 100 रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं। तो ये जरूर कहा जा रहा है कि जब डीजल के रेट बढ़ते हैं तो काफी परेशानी जो है वो आम लोगों पर सीधी दिखने लगती है, क्योंकि डीजल के रेट जैसे ही बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के रेट भी बढ़ जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनके दाम भी है, तो उनमें भी इजाफा हो जाता है। तो ऐसे में अब जब डीजल के रेट जो है वो बढ़ेंगे तो उसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है, और जब आम लोगों की जेब पर पड़ेगा तो इससे महंगाई किस दौर से गुजर रही है ये भी कहा जा सकता है। और इसी महंगाई को लेकर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है वो हमलावर बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष अपने आप को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट के कारण बढ़ी है। हालांकि जिस तरीके से अगर पूरे दामों की बात की जाए तो दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, और इजाफा होने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं जो वेट टैक्स है और जो टैक्सेस है उन टैक्सेस में कमी अगर सरकारें करती हैं तो काफी जो मदद और काफी राहत जो है वो आम लोगों को सीधे तौर पर मिलेगी। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया कि वेट टैक्स और सेस टैक्स में कोई कमी आएगी। तो ऐसे में लगातार जब रेट बढ़ रहे हैं तो सीधा असर जो है वो आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है, और जब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो वो पेट्रोल के रेटों से आम लोगों को आम लोगों की दिनचर्या कहीं ना कहीं प्रभावित तो होती है, लेकिन जब डीजल के रेट बढ़ते हैं तो इससे उनकी जेब पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ेंगे और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनके उनका आवागमन कम होगा तो ऐसे में उनके रेट भी बढ़ेंगे। तो ये जरूर है कि इससे परेशानी जो है वो आम लोगों की ही बढ़ने वाली है, और सरकारें अगर इस पर ध्यान नहीं देती हैं तो कहीं ना कहीं आगामी दिनों में जो महंगाई बढ़ेगी उस महंगाई की जिम्मेदार कौन होगा ये तो खैर अभी कह पाना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से जो महंगाई बढ़ेगी उस महंगाई का खामियाजा जो है आम जनता को ही भुगतना होगा। अभी डीजल और पेट्रोल के रेट अगर नहीं बढ़ते तो इसका इससे राहत भी मिलेगी, लेकिन अगर लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा तौर पर आम लोगों की जेब खाली होने वाली है। जी बिल्कुल दुष्यंत, लेकिन पहले हमने देखा जब भी डीजल या पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है तो विपक्ष की तरफ से कई कार्यकर्ता ऐसे आए जिन्होंने पेट्रोल पंप के बाहर जाकर प्रदर्शन किया है बढ़ती कीमतों को लेकर। तो आज भी जैसे डीजल की पेट्रोल की डीजल की बढ़ती कीमतें देखी जा रही है, तो कोई प्रदर्शन की खबरें हैं? देखिए, प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो पहले ही कांग्रेस यूथ कांग्रेस इस बात की घोषणा कर चुका है कि महंगाई और तमाम सारे मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव किया जाना है, और 11 तारीख को ये घेराव का आयोजन किया जाना है, और तमाम सारे जो कार्यकर्ता है वो 11 तारीख को राजधानी भोपाल में एकत्रित होंगे, एक पूरी सभा का आयोजन किया जाएगा, और उसके बाद
कहीं ना कहीं विधानसभा की ओर कूच भी किया जाएगा और सरकार को कहीं ना कहीं ये भी बताया जाएगा कि महंगाई किस तेजी से बढ़ रही है और उस महंगाई पर काबू पाना जरूरी है, क्योंकि अगर काबू नहीं पाया जा सका तो कहीं ना कहीं आम लोग इससे पिस जाएंगे और जो निचले तबके के लोग हैं या मध्यम वर्गीय परिवार है उनको खासी परेशानी जो है इस महंगाई से उठानी पड़ सकती है, क्योंकि उनकी एक सीमित आय होती है और सीमित आय के चलते उनको काफी जो बजट है तो उसको मैनेज करना होता है और अगर वो मैनेज नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में फिर सरकारें किस बात के लिए काम कर रही हैं, इस बात का भी लिए भी ध्यान आकर्षित जो है वो यूथ कांग्रेस करने वाला है। इसके पहले जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार कार्यकर्ता जो है वो जमीनी स्तर पर प्रदर्शन करते रहे हैं, हालांकि आज विधानसभा का सत्र जारी है, ऐसे में जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं तो वो मामला जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा में जरूर उठने वाला है और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है वो सरकार से जवाब तलब करने वाली है। जी बिल्कुल दुष्यंत, जवाब तलब करेगी, बने रहिए आपके पास, फिर लौटेंगे। तो 16 जिलों में डीजल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है।